हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नया टॉपिक बाइनरी ऑपरेशन का इंट्रोडक्शन हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। अगर आप पहला लेक्चर नहीं देखा है तो लेक्चर नंबर 31 जरूर देखिए, तब जाके ये वाला लेक्चर आपके समझ में आएगा, ठीक है ना। हम ज़्यादा बात ना करते हुए पिछले लेक्चर का हल्का सा निचोड़ आपको बता दें कि आपके पास कोई समुच्चय ए, इस पर कोई संक्रिया स्टार बाइनरी ऑपरेशन यानी कि द्विआधारी संक्रिया कहलाती है। यदि ए स्टार बी बराबर जो भी रिजल्ट आपको मिले ये वापस सेट ए में ही रहने लगे, और ये सबके लिए होना चाहिए, फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू ए, ठीक हो गया। और हमने ये भी कहा था कि जो ये स्टार है ये एक फंक्शन की तरह बिहेव करता है जो ए क्रॉस ए के मेंबर को ए पर लिंक करता है, ठीक हो गया। पिछले लेक्चर का पूरा सार ये था आपके पास, ठीक। अब सीधे सीधे क्वेश्चन करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए, क्या जेड प्लस में ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी द्वारा परिभाषित संक्रिया स्टार द्विआधारी संक्रिया है। आपको जो दिया गया सेट है वो जेड प्लस है और संक्रिया इस प्रकार से दे रखी है, पहला माइनस दूसरा डाय, ठीक। आपको दिखाना है स्टार द्विआधारी संक्रिया है अथवा नहीं है। तो हमें क्या दिखाना होगा कि जेड प्लस से लेने वाला कोई भी दो मेंबर आप उठा के चेक करोगे उनका जो डिफरेंस है क्या ऑलवेज जेड प्लस में रह रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो द्विआधारी बन जाएगा, नहीं हो रहा है तो द्विआधारी नहीं होगा, ठीक। तो इसके सॉल्यूशन पे आप बात करें, सॉल्यूशन में सीधे सीधे आप लिखना दिया गया समुच्चय इक्वल टू जेड प्लस। कौन सा समुच्चय पे रखा आपको? जेड प्लस मीन्स, जेड मीन्स क्या होता है? इंटीजर। प्लस लगाया तो पॉजिटिव इंटीजर आपने लेने, ठीक है ना। इंटीजर में 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 आते हैं, अप टू सो ऑन, ठीक है। जेड प्लस कह दिया तो केवल पॉजिटिव इंटीजर लो, क्या हो गया फिर? पॉजिटिव 1 2 3 4 5, यानी कि नेचुरल नंबर का सेट भी कह सकते हो। पॉजिटिव इंटीजर मीन्स नेचुरल नंबर ही तो आ गया, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तथा संक्रिया, आपको जो संक्रिया स्टार दे रखी है, संक्रिया स्टार किस प्रकार से डिफाइंड है? ये ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी, ठीक। देखिए, अगर मैं ए की जगह 2, बी की जगह 4 ले दूं, 2 4 क्या पॉजिटिव है? बिल्कुल। जो भी आप मेंबर सेलेक्ट करोगे कहां से? अपने सेट से तो सेलेक्ट करोगे, ठीक है ना। सेट में पॉजिटिव इंटीजर है तो मैंने 2 पॉजिटिव इंटीजर सेलेक्ट कर लिए। देखा क्या ये फॉलो करेंगे? ए की जगह रखो 2, बी की जगह 4, ये कितना आ गया? -2। -2 तो जेड प्लस में रहेगा ही नहीं, समझ रहे हो ना। -2 नेगेटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर में नहीं रह पाएगा, ठीक हो गया। यानी कि 2 और 4 ने ही मेरे को, 2 और 4 एक ऐसा एग्जांपल मिल गया है जो इस रूल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना, इस रूल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। किस रूल को? कि वापस जेड प्लस का ही मेंबर मिलना चाहिए आपको, नहीं मिल पा रहा है। इसका मीनिंग जो स्टार है वो द्विआधारी संक्रिया नहीं होगी, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्यूशन में लिखूंगा जैसे, फिर मैं कहूंगा सिंस 2, 4, 5 कुछ भी ले लो, ठीक है ना। कोशिश करो कि जो दूसरा वाला एलिमेंट है वो बढ़ा लो, है ना, तभी तो नेगेटिव वाला बड़ा आएगा, नेगेटिव वाला आ जाएगा, ठीक। वो सेट से बाहर चले जाएगा एलिमेंट। तो 2, 5 बिलोंगिंग टू जेड प्लस, 2, 5 जेड प्लस के मेंबर है, मींस पॉजिटिव इंटीजर है। लेकिन लेकिन 2 स्टार 5 मींस कितना आएगा? 2 माइनस 5 कितना आ गया? -3। कितना आ गया? -3, नॉट बिलोंगिंग टू जेड प्लस, है ना। अगर किन्हीं भी दो मेंबर को ऑपरेट करके उसी सेट का वापस मेंबर नहीं मिलता है तो इस प्रकार की संक्रिया द्विआधारी संक्रिया नहीं होगी। अतः स्टार जेड प्लस पर द्विआधारी संक्रिया नहीं है, द्विआधारी संक्रिया नहीं है। ये आपके पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक। अगला क्वेश्चन करते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास, क्या जेड प्लस में ए स्टार बी बराबर ए इंटू बी द्वारा परिभाषित संक्रिया स्टार द्विआधारी संक्रिया है? ठीक है, अब उस टाइम डिफरेंस दिया था, अभी प्रोडक्ट कर रखा है उसी का। फिर से सॉल्यूशन में आप क्या कहोगे, सॉल्यूशन में फिर से आप लिखोगे दिया गया समुच्चय जेड प्लस मीन्स पॉजिटिव इंटीजर तथा संक्रिया स्टार जिस रूप में दे रखी है ए स्टार बी इक्वल टू ए इंटू बी। अब आप देखोगे कि जेड प्लस में रहने वाले किन्हीं भी जोड़ी के लिए ऑपरेट करने के बाद जो आपको एलिमेंट मिल रहा है वो वापस जेड प्लस का मेंबर आ रहा है कि नहीं। कहने का मीनिंग जेड प्लस के किन्हीं भी दो मेंबर का प्रोडक्ट क्या वापस जेड प्लस में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, इसके लिए देखिए अगर आप जो ए सिलेक्ट करोगे कहां से सिलेक्ट करोगे, जेड प्लस से। बी कहां से सिलेक्ट करोगे, जेड प्लस से, क्योंकि सेट कौन आपके पास जेड प्लस, उन्हीं के तो दो मेंबर्स की बात करनी है। तो जब भी ये पॉजिटिव लोगे, ये भी पॉजिटिव है ना, तो यहां क्या होगा जेड प्लस इंटू जेड प्लस है ना, यानी पॉजिटिव इंटीजर इंटू पॉजिटिव इंटीजर, दो पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट। और आप जानते हैं दो पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट तो पॉजिटिव ही आएगा, कभी नेगेटिव तो आएगा नहीं, समझ रहे हो ना। ये इंटीजर लोगे मींस एक पूर्ण अंक लोगे, जैसे 5 आपके पास एक पूर्ण अंक है, ठीक उसी प्रकार बी पॉजिटिव इंटीजर है मींस एक कोई पूर्ण अंक लोगे प्लस में 10, इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे कितना आएगा, एक फुल अंक आएगा, पूर्ण अंक आएगा 50, वो भी प्लस के साथ, क्योंकि दो पॉजिटिव का प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव आता है। ठीक है ना, नेगेटिव तो आएगा नहीं, नेगेटिव कब आता, जब एक नेगेटिव होता, नेगेटिव तो हम सिलेक्ट कर ही नहीं सकते क्योंकि हमने सिलेक्ट कहाँ से करनी है, जेड प्लस से सिलेक्ट करनी है अपने मेंबर। ठीक है ना, जेड प्लस से आपने दो मेंबर सिलेक्ट किए तो वो तो पॉजिटिव होंगे और पॉजिटिव का प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव ही मिलता है आपको। ठीक है ना, इस बार कोई भी कंट्राडिक्शन आप नहीं ढूंढ पाओगे। प्रीवियस में तो इस टाइप का दिया था ना ए माइनस बी, तो मैंने सोचा जब भी बी ज्यादा होगा, बी जब भी बड़ा होगा तो अपना साइन बरकरार रखेगा, मीन्स नेगेटिव नंबर लाएगा, नेगेटिव जेड प्लस से बाहर चले जाएगा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि दो पॉजिटिव का प्रोडक्ट ऑलवेज पॉजिटिव होता है, दो पॉजिटिव का प्रोडक्ट ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो इस बार हम कुछ भी कंट्राडिक्शन दिखाने की स्थिति में नहीं है, इसका मीनिंग इसका कोई भी कंट्राडिक्शन नहीं मिला तो ये क्या हो गया, द्विआधारी संक्रिया होगा, यानी कि हर जोड़ी इस रूल को फॉलो कर रही है। ठीक है ना, तो मैं इसको इस रूप में लिखूंगा कि फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू जेड प्लस, है ना, ए बी बिलोंगिंग टू जेड प्लस मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, किन्हीं दो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए इनका जो प्रोडक्ट होता है ए इंटू बी, ये भी तो जेड प्लस में ही रहेगा है ना, ए और बी किन्हीं भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए उनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा। ठीक हो गया, इतनी बात समझ में आ रही होगी आपको, है ना, दो पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट पॉजिटिव ही मिलेगा, कभी नेगेटिव नहीं मिलेगा आपको। ठीक, और नहीं फ्रैक्शन में मिलेगा, पूर्णांक मिलेगा, ये पूर्णांक ले रहे हो, ये पूर्णांक, दो पूर्णांकों का प्रोडक्ट पूर्ण नहीं तो मिलेगा, फ्रैक्शन में तो मिलेगा नहीं, कुछ बट्टे कुछ के फॉर्म में तो मिलेगा नहीं। और ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ऑलवेज पॉजिटिव ही मिलता रहेगा, पॉजिटिव भी है और पूर्णांक भी है, वो तो पॉजिटिव इंटीजर है फिर, है ना, तो आपके पास नेगेटिव नहीं मिलेगा, नहीं फ्रैक्शन में मिलेगा। तो हमने कहा कि दो पॉजिटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट होगा वो भी पॉजिटिव इंटीजर में रहेगा। ठीक, यानी ए इंटू बी पॉजिटिव इंटीजर है मीन्स ए स्टार बी तो क्या हो गया, पॉजिटिव इंटीजर, इसका मीनिंग पहला ऑपरेशन दूसरा बिलोंगिंग टू जेड प्लस, है ना। जब भी ये कंडीशन फॉलो हो गई फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू जेड प्लस के लिए, स्टार बी बिलोंगिंग टू जेड प्लस आ गया तो जो स्टार है वो द्विआधारी संक्रिया हो जाएगा। ठीक, अतः स्टार जेड प्लस पर द्विआधारी संक्रिया है, द्विआधारी संक्रिया है। ठीक, पहला नहीं आया था, दूसरा वाला ऑप्शन, दूसरा वाला जो पार्ट है इसमें द्विआधारी संक्रिया आई। ठीक, तीसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, क्या आर, आर मीन्स रियल नंबर में ए स्टार बी बराबर ए बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संक्रिया स्टार द्विआधारी संक्रिया है? फिर सॉल्यूशन में आप लिखोगे दिया गया समुच्चय, क्या दे रखा है इस बार आर, आर मीन्स रियल नंबर का से, दिया गया समुच्चय
इक्वल टू आर। ठीक, फिर लिखोगे आप द्विआधारी संक्रिया, द्विआधारी संक्रिया स्टार किस रूप में डिफाइंड है, ए स्टार बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर रूप में डिफाइंड है। ठीक, तो आप को ये दिखाना होगा कि जो ये ए बी स्क्वायर है वापस रियल है कि, है ना, दो मेंबर को ऑपरेट करके जो आपके पास प्रोडक्ट आ रहा है उसका, है ना, वो आपके पास क्या सेट आर से आ रहा है या बाहर से आ रहा है। अगर सेट आर से आएगा तो द्विआधारी बन जाएगा, नहीं आएगा तो द्विआधारी नहीं बनेगा। ठीक है, अब देखिए आप दो मेंबर उठाओ, कोई भी दो रियल नंबर आप उठा रहे हो, ठीक, रियल नंबर ए और रियल नंबर बी, तो पहला रियल नंबर और दूसरे का स्क्वायर, ठीक है, दूसरे का स्क्वायर आपने दिखाना है रियल है या नहीं। देखो बी रियल नंबर है, बी रियल नंबर है, उसका स्क्वायर भी तो रियल नंबर होगा ना, किसी भी रियल नंबर का अगर आप स्क्वायर करते हो, है ना, तो रियल ही नंबर आता है ना। रियल की दुनिया से बाहर करने के लिए आपको क्या चाहिए, रूट चाहिए, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर डालोगे तब जाके कहीं ना कहीं आयोटा आएगा, ठीक है ना, रूट दिख नहीं रहा है आपको यहाँ, या फिर कुछ अपॉन में कुछ होना चाहिए ताकि उसकी जगह जीरो डालें आपको इन्फिनिटी मिल जाए, ठीक है ना, बट्टे में भी कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के ये कह सकते हो कि आपके पास ए बी स्क्वायर में न तो रूट दिख रहा है और नहीं बट्टे में कुछ है, यानी कि इसको तो रियल की दुनिया से बाहर नहीं फेंका जा सकता। ए बी की जगह मैं कुछ भी रियल रख दूं वापस रियल ही लौट के आएगा, उसकी दुनिया से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी दुनिया से बाहर कब जाता, जब मेरे पास रूट होता, रूट होता और उसकी जगह नेगेटिव सेलेक्ट कर लेता मैं, तो रूट में कुछ नेगेटिव आयोटा इंट्रोड्यूस हो जाता, मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता। और बट्टे में अगर होता ए बट्टा बी स्क्वायर टाइप कुछ होता, बी की जगह मैं जीरो ले लेता तो ए बट्टे जीरो इन्फिनिटी वो भी रियल की दुनिया से बाहर चले जाता। अभी नहीं रूट है नहीं बट्टा है, इसका मीनिंग ए बी स्क्वायर भी रियल ही होगा, तो मुझे लिखना होगा फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू रियल, यानी कि किन्हीं भी दो रियल मेंबर्स के लिए ए बी की जगह आप कोई भी रियल नंबर उठा सकते हैं। फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू रियल, ए बी स्क्वायर बिलोंगिंग टू रियल, समझ रहे हो, पहला और दूसरे का स्क्वायर करोगे वो भी रियल ही आएगा, क्यों, क्योंकि ना तो रूट दिख रहा है आपको ना ही बट्टे में कुछ दिख रहा है ताकि रियल की दुनिया से बाहर खदेड़ सको, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो ए बी स्क्वायर आज रियल की ही दुनिया में रहेगा, बाहर नहीं रह पाएगा। ठीक, तो ए बी स्क्वायर बिलोंगिंग टू रियल मीन्स ए बी स्क्वायर मीन्स ए स्टार बी बिलोंगिंग टू रियल। देखिए ए बी बिलोंगिंग टू रियल, किन्हीं भी दो रियल नंबर्स के लिए मैंने दिखा दिया कि उनका ऑपरेट करने के बाद भी रियल में ही रह रहा है, इसका मीनिंग स्टार द्विआधारी संक्रिया। अतः स्टार आर पर द्विआधारी संक्रिया है, आर पर द्विआधारी संक्रिया है। ठीक, ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास क्या, जेड प्लस में फिर से पॉजिटिव इंटीजर आ गए, ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी का मॉड द्वारा परिभाषित संक्रिया स्टार द्विआधारी संक्रिया है। ठीक, तो आप फिर से सॉल्यूशन में लिखोगे दिया गया समुच्चय, दिया गया समुच्चय इक्वल टू जेड प्लस, फिर लिखना दी गई संक्रिया ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी का मॉड। ठीक है, फिर उसके बाद आप लिखोगे, देखिए अब इसमें ना आपको जो संक्रिया दे रखी है ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी का मॉड, ठीक हो गया, आप जो ये मेंबर होगी कहाँ से जो आएगा, ये जेड प्लस से, ये वाला मेंबर भी जेड प्लस से, ठीक हो गया, यानी कि ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। पिछली बात पहले वाले क्वेश्चन में देखो क्या दिक्कत क्या हो जा रही थी वहां पे, कि जब भी बी अगर आप बड़ा ले रहे थे, बड़ा पॉजिटिव ले रहे थे 9, ये छोटा ले रहे थे 7, 7 माइनस 9 करके माइनस 2 आ जा रहा था, ठीक है, जो कि पॉजिटिव इंटीजर की दुनिया से बाहर का मेंबर आ जा रहा था, लेकिन इस बार उसने मॉड दे दिया है, उस दिक्कत को दूर करने के लिए इसने बाहर से क्या लगा दिया है, मॉड। अब देखो जो अगर इसको बड़ा ले भी लेते हो तो मॉड के कारण फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, मान लो इसकी जगह आपने क्या ले लिया
फाइव, इसकी जगह आपने सेवन लिया, तो ये कितना देगा, फाइव माइनस सेवन का मॉड, यानी कि मॉड ऑफ माइनस टू। मॉड की थ्योरी आप जानते हो ना, मॉड हटने पर अगर अंदर की चीज नेगेटिव रहती है तो बाहर से अलग से माइनस आ जाता है, तो माइनस ऑफ माइनस टू मीन्स टू, टू तो वापस कहाँ आएगा, पॉजिटिव इंटीजर। इस बार आपको एक भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं मिल पाएगा जो पॉजिटिव इंटीजर की दुनिया से बाहर का मेंबर आएगा। अगर मॉड नहीं होता तब तो मिल जाता, मैं सोचता कि बी की जगह बड़ा पॉजिटिव इंटीजर लूंगा, इस बार बड़ा लो या छोटा लो, बड़ा भी लोगे अगर नेगेटिव नंबर आ भी गया तो बाहर से तो मॉड है, नेगेटिव वाला तो उसको पॉजिटिव बना देगा मॉड, मॉड ऑलवेज पॉजिटिव वाले को तो पॉजिटिव ही रखता है, जीरो को जीरो ही रखता है, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव बना देता है, इतना आप जानते हैं। तो इस बार आपको एक भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं मिल पाएगा जो इस रूल को तोड़ रहा, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू जेड प्लस, है ना, किन्हीं भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ए माइनस बी का मॉड ये हमेशा जेड प्लस में रहेगा, है ना। कोई भी दो पॉजिटिव ले लो उनका डिफरेंस इंटीजर ही तो आएगा, दो इंटीजर का डिफरेंस क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा, फ्रैक्शन तो आएगा नहीं, समझ रहे हो। जैसे आप कोई भी इंटीजर लो, फाइव माइनस टू थ्री, इंटीजर ही तो आएगा, है ना। यहाँ पूरा अंक ले रहे हो, यहाँ भी पूरा ही अंक ले रहे हो आप, है ना, पूर्ण अंक ले रहे हो, तो उनका जो डिफरेंस आएगा वो अलग से, फ्रैक्शन तो आ नहीं पाएगा अचानक की, फ्रैक्शन तो नहीं आ जाएगा, ठीक है, जो भी आएगा पूर्ण अंक ही आएगा, ठीक। और दिक्कत साइन की थी तो वाली दिक्कत मॉड ने हटा दी, है ना, जब भी नेगेटिव आएगा वो पॉजिटिव में धकेल देगा वापस, ठीक। तो इस बार ए माइनस बी का मॉडुलस ऑलवेज एच पॉजिटिव में, सॉरी जेड पॉजिटिव में रहेगा, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर आएगा। तो a माइनस बी का मॉड मीन्स a स्टार b बिलोंगिंग टू z प्लस, ठीक, यानी कि फॉर ऑल a b बिलोंगिंग टू z प्लस के लिए हमने ये दिखा दिया कि a स्टार b z प्लस का ही मेंबर है, अतः स्टार z प्लस पर द्विआधारी संक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्या जेड प्लस में ए स्टार बी बराबर ए द्वारा परिभाषित संक्रिया स्टार द्विआधारी संक्रिया है। तो आप सॉल्यूशन में लिखोगे, दिया गया समुच्चय इक्वल टू जेड प्लस। फिर लिखोगे आप दी गई संक्रिया कॉमा करके ए स्टार बी बराबर ए। इस बार देखो संक्रिया किस रूप में परिभाषित है, ये आप पॉजिटिव इंटीजर से लिया होगा आपने इसको, ये भी पॉजिटिव इंटीजर से लिया होगा, ठीक हो गया। किस प्रकार परिभाषित है कि पहला अवयव और दूसरे अवयव को ऑपरेट करके पहले अवयव के बराबर दे देगा, यानी कि दूसरे का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कहने का मीनिंग है जैसे आपने दो लिया इंटीजर, तीन पॉजिटिव इंटीजर, तो ये वापस पहले एलिमेंट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक हो गया। आपने 5 लिया, दूसरा मेंबर 11 लिया, ये पहले मेंबर यानी कि 5 में कन्वर्ट कर देगा। इस रूप में आपका ये बाइनरी ऑपरेशन, जो अभी बाइनरी ऑपरेशन तो नहीं कहेंगे, केवल ऑपरेशन कहेंगे, जो ये स्टार है ये आपके पास इस प्रकार से परिभाषित है, ठीक हो गया। आपको दिखाना है कि जो ये ऑपरेशन है बाइनरी ऑपरेशन है, यानी कि जो ये संक्रिया दे रखी है ये किस प्रकार की संक्रिया है, द्विआधारी संक्रिया है, ठीक। तो उसके लिए देखो, अब ये बात तो ओबियस हो चुकी है ना कि ये ए आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है, बी आपके पास पॉजिटिव इंटीजर लेना है आपको, जब संक्रिया करोगे वापस ये ए में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि पहले वाले नंबर में, और पहला वाला नंबर साफ साफ दिख रहा है कैसे है, पॉजिटिव इंटीजर हमने सेलेक्ट कर रखा है, ए को आपने पॉजिटिव इंटीजर सेलेक्ट कर रखा है, मीन्स ये तो ओबियस बात होगी ना, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर रहेगा। ये जो संक्रिया स्टार थी ये पहले मेंबर और दूसरे मेंबर को ऑपरेट करके पहले मेंबर में ही चेंज कर दे रही थी, और इस बार पहला मेंबर संयोगवश क्या है, पॉजिटिव इंटीजर खुद है वो, तो ए अलग से थोड़ी ना है, जो ये ए है यही तो ए है, ये ए क्या है, पॉजिटिव है, मीन्स ए भी तो पॉजिटिव है। इस बार तो बाहर की दुनिया में जा ही नहीं सकते हो, ठीक है ना, जो ए ले रहे हो वो जेड पॉजिटिव से ले रहे हो, तो आपके पास जो आउटपुट मिल रहा है वो भी तो ए ही है, तो ए क्या होगा, जेड प्लस ही होगा ऑलवेज, ठीक।
तो मैं लिखूंगा फॉर ऑल, इसके बाद आप लिखोगे फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू जेड प्लस, ठीक है, किन्हीं भी दो पॉजिटिव इंटीजर के लिए, जो ये ए होगा, ठीक है ना, ए होगा, ये तो जेड प्लस का ही मेंबर है, क्यों अबे जेड प्लस का पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हो, वापस कह रहे हो ए पॉजिटिव ही है, ठीक है, ये तो अच्छी बात है, पॉजिटिव इंटीजर लिया है उसी को तो पॉजिटिव कह रहे हैं। अब उसी ए को इसने क्या कह रखा है, ए स्टार बी इंप्लाइज ए स्टार बी बिलोंगिंग टू जेड प्लस, तो फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू जेड प्लस के लिए हमने दिखा दिया कि ए स्टार बी जेड प्लस का ही मेंबर है, अतः स्टार जेड प्लस पर द्विआधारी संक्रिया है, बाइनरी ऑपरेशन है, द्विआधारी संक्रिया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास, सिद्ध कीजिए कि स्टार सच दैट आर क्रॉस आर टू आर टपल ए कॉमा बी टू ए प्लस थ्री बी स्क्वायर द्वारा प्रदत्त एक द्विआधारी संक्रिया। अभी देखो कहने का इसका तरीका थोड़ा अलग हो गया, स्टार सच दैट आर क्रॉस आर टू आर कह रहा है, मीन्स स्टार एक फंक्शन है कह रहा है, ठीक, जो कि आर क्रॉस आर के मेंबर को आर पे भेज रहा है। हमने जब डेफिनेशन लिखाई थी द्विआधारी संक्रिया की, ऐसा ही तो कहा था ना, एक फंक्शन के रूप में इसको डिफाइन कर सकते हैं जो आर क्रॉस आर के मेंबर को आर पे सेंड करता है, ठीक है ना, किस प्रकार सेंड कर रहा है, देखो ए और बी इसका मेंबर तो होगा ए कॉमा बी, इसी टाइप का तो एलिमेंट होगा ना, क्रॉस हुआ है तो टपल के फॉर्म में आएगा एलिमेंट, उसको ए प्लस थ्री बी स्क्वायर यानी कि ये रियल ए प्लस थ्री बी स्क्वायर में सेंड कर रहा है, ठीक, द्वारा प्रदत्त एक द्विआधारी संक्रिया। तो फिर आप सॉल्यूशन में लिखोगे दिया गया समुच्चय इक्वल टू क्या, आर, आर आपको समुच्चय दे रखा है, ठीक है ना, जो भी आपने जिस भी समुच्चय की बात करना है, आर क्रॉस आर तो नहीं लिखोगे ना, समुच्चय आर दे रखा, आर क्रॉस आर तो दो मेंबर को सिलेक्ट करने का किसी भी द्विआधारी संक्रिया में दो मेंबर चाहिए, इसलिए आर क्रॉस आर लिया जाता है, ठीक है, तो आपके पास जो मूल आपके पास समुच्चय होगा वो तो कौन होगा, आर, ठीक, तो आप लिखोगे दिया गया समुच्चय इक्वल टू आर, फिर लिखना दी गई संक्रिया स्टार कॉमा करके लिखोगे ए स्टार बी इक्वल टू, ए स्टार बी कितना जाएगा ए प्लस थ्री बी स्क्वायर, ठीक है ना, इसने इस अंदाज में दिया था, हमने उसी को जिससे हम परिचित हैं उस वाले अंदाज में लिख दिया, ठीक, ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस थ्री बी स्क्वायर। अब देखिए ए आपको क्या देना है, रियल, ये क्या लेना है आपको, रियल, ठीक हो गया, तो क्या ये रियल की दुनिया में ऑलवेज रहेगा, देखो अगर रियल की दुनिया में नहीं रहता तो या तो इसको आपने कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ता तब जाके तो रियल की दुनिया से बाहर जाता, या फिर इन्फिनिटी बनाना पड़ता, ठीक है ना, तो आपके पास कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए रूट है नहीं इसके पास, अगर रूट होता तो मैं नेगेटिव रियल नंबर डाल देता रूट के अंदर, इमेजिनरी आ जाता, ऐसा है नहीं, रूट है नहीं उसके पास अभी, है ना, ना ए के पास है ना बी के पास है रूट, और ए बट्टा बी के फॉर्म में होता तो बी की जगह जीरो डालता, नीचे वाली चीज को जीरो बना देता तो उससे भी इन्फिनिटी आता, ऐसा भी नहीं है यहाँ, ठीक है ना, इसका मीनिंग हम इसको रियल की दुनिया से बाहर नहीं धक्का दे सकते अभी, ठीक, यानी ए बी कुछ भी सिलेक्ट करूँ ये ऑलवेज रियल होगा, ठीक है, तो यही लिख दूंगा मैं कि फॉर ऑल, आंसर में ऐसे लिखूंगा मैं फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू रियल ए प्लस थ्री बी स्क्वायर, ए बी रियल ही रहेगा, ठीक है, इंप्लाइज ए प्लस थ्री बी स्क्वायर इक्वल टू क्या कह रहा है ए स्टार बी बिलोंगिंग टू रियल, यानी मैंने दिखा दिया कि ए बी बिलोंगिंग टू रियल है ना, किन्हीं भी दो रियल नंबर के लिए ऑपरेशन करने के बाद वो रियल नंबर में ही रहेगा, मीन्स ये स्टार क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन, अतः स्टार आर पर द्विआधारी संक्रिया है, अगला क्वेश्चन करते हैं,
देखिए फिर अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि ए कॉमा बी इसको सेंड कर रहा है अधिकतम ऑफ ए बी, है ना, सेट ए बी बनाओगे उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उस पर सेंड करेगा द्वारा परिभाषित। ये देखो अभी तक हम स्टार कहते थे, इस बार उसने वी टाइप का कुछ सिंबल दे दिया, ठीक है ना, किसी भी प्रकार का सिंबल बनाया जा सकता है। मैंने कहा था स्टार ओ या इस टाइप का सिंबल, या देखो एक उल्टा वी भी बना रखा है इसने, है ना, किसी भी प्रकार का सिंबल आपको दे सकता है, ठीक है ना। सिंबल से आपको कुछ नहीं करना, आपने तो केवल प्रॉपर्टी दिखाना है, ठीक है ना, स्टार के बदले वो कुछ भी सिंबल दे दे। तो इसने कह रखा है कि ये जो आपके पास सिंबल दे रखा है, एक ऑपरेशन दे रखा है, ये आर क्रॉस आर से आर में डिफाइंड है, तथा ए कॉमा बी ये निम्नतम ऑफ सेट ए बी, सेट ए बी बनाओगे ना, ए और बी जो भी टपल में जो भी एलिमेंट थे उनका सेट होगा ए बी, उसमें जो निम्नतम होगा मतलब मींस जो कम वैल्यू रखेगा, जैसे 2.5 लोगे उसमें निम्नतम कौन होगा 2, यानी कि इक्वल टू 2 आ जाएगा उसका आंसर, ठीक है, द्वारा परिभाषित है ये आपके पास ऑपरेशन सच दैट आर क्रॉस आर से आर में डिफाइंड है, द्विआधारी संक्रियाएं हैं, इनको फिर से आपने द्विआधारी संक्रिया प्रूफ करनी है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में देखो आप दो दो आपके पास इसी में दो दो पार्ट है क्वेश्चन के, ठीक, एक पार्ट तो क्या है ये संक्रिया दे रखी है आर क्रॉस आर से आर, जो कि किस प्रकार डिफाइंड है ए बी अधिकतम ऑफ ए बी इस रूप में डिफाइंड है, इसका दूसरा पार्ट है ए बी जो कि निम्नतम ऑफ ए बी में, और वो भी किस में डिफाइंड है आर क्रॉस आर से आर में, ठीक हो गया। तो यानी कि दो पार्ट्स में हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको हम दो पार्ट में सॉल्व करेंगे, ठीक। मैं पहले पार्ट की ओर बढ़ता हूँ, पहला पार्ट कौन सा है ये वाला, ठीक, इस संक्रिया को आपने द्विआधारी प्रूफ करना है, ठीक। तो आप लिखोगे दिया गया समुच्चय, दिया गया समुच्चय इक्वल टू, समुच्चय कौन सा है यहाँ पे आर, देख सकते हो दिया गया समुच्चय कौन है आर, फिर लिखना दी गई संक्रिया, दी गई संक्रिया ए बी को यहाँ पर सेंड करता है, और इस बार देखो स्टार नहीं कर रखा तो वी टाइप का वो साइन दे रखा है ना, आप भी इसी टाइप का साइन बनाओगे, ठीक है। लिखना दी गई संक्रिया, नीचे से लिखना ए संक्रिया बी, ए ऑपरेशन बी, ठीक है, इस टाइप का साइन बना रखा, अभी स्टार नहीं लोगे, ठीक है, क्यों, उसने खुद दे रखा अभी साइन उसने, ठीक, स्टार की जगह हमने इस टाइप का साइन ले लिया, ए ऑपरेशन बी ही अभी इसको भी पढ़ेंगे। ए ऑपरेशन बी बराबर इसने क्या दे रखा है अधिकतम ऑफ ए बी, अधिकतम मीन्स मैक्सिमम कहते हैं इंग्लिश में, जो बड़ा होगा वो आएगा अधिकतम ए बी, अधिकतम ए कॉमा बी, अधिकतम ए कॉमा बी, इस चीज को समझिए। अगर आप रियल नंबर लेते हो 5, एक दूसरा रियल नंबर लेते हो 7, इन दोनों में अगर आप ऑपरेशन लगाओगे तो ये कह रहा है अधिकतम ऑफ ए बी, इसका मीनिंग हो जाएगा अधिकतम ऑफ 5.7, 5 और 7 में अधिकतम कौन है, 7 ज्यादा बड़ा हुआ, यानी कि बड़ा वाला नंबर लेना है कहने का मीनिंग ये, ठीक है ना। अधिकतम ऑफ ए बी का मीनिंग ए और बी में जो बड़ा होगा उसको लेना आपने, ठीक, 5.7 में जैसे 7 बड़ा था, इसी प्रकार से मैंने यहाँ 10 ले लिया होता, अगर 10.7 में बड़ा कौन होता अभी 10, इस रूप में डिफाइंड है ये ऑपरेशन, ठीक, इसको आपने बाइनरी ऑपरेशन प्रूफ करना है, ठीक, इसको आपने बाइनरी ऑपरेशन प्रूफ करना है। देखिए फिर अब देखो ए आपके पास रियल होगा, बी रियल होगा, ठीक है, अब जो इसका आंसर आएगा देखो अधिकतम ऑफ ए बी, ए अगर बड़ा हुआ तो ए आएगा, बी अगर बड़ा हुआ तो बी आएगा, यानी ए भी आ सकता है बी भी आ सकता है, जो भी बड़ा होगा वो आएगा। मान लो ए आया, मान लो ए आया, ए तो मैं क्या सिलेक्ट कर रहा हूँ, रियली तो सिलेक्ट कर रहा हूँ, ए अपने आप में क्या है सिलेक्ट रियल है, तो वहां अलग से कॉम्प्लेक्स थोड़ी ना जाएगा, वहां ए रियल सिलेक्ट कर रहे हो तो रियली तो रहेगा, कॉम्प्लेक्स थोड़ी बन जाएगा, ठीक। बी को आपने रियल सिलेक्ट किया, ये भी तो रियली होगा, चाहे ए बड़ा हो तो भी रियली रहना, बी बड़ा हो तो भी रियली रहना, इसका मीनिंग तो क्या हो गया, फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू आर के लिए जो ये बाइनरी ऑपरेशन है ए ऑपरेशन बी, ये बाइनरी है क्योंकि उसका मेंबर वापस आर में रह रहे हैं। तो सॉल्यूशन में मैं लिखूंगा फॉर ऑल, सॉल्यूशन में इस प्रकार से लिखोगे आप फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू रियल ए ऑपरेशन बी, है ना, ए ऑपरेशन बी, या हाँ चलो ए ऑपरेशन बी बिलोंगिंग टू रियल, अतः
आपके पास जो ये संक्रिया है ना, ये द्विआधारी संक्रिया है, आप लिख देना अथवा ऑपरेशन, ये वी साइन से दे रखा है, ये आर पर द्विआधारी संक्रिया है। ठीक, देखो इसी के दूसरे पार्ट पे आते हैं। अब इसी का दूसरा पार्ट, इसमें भी जो समुच्चय है वो आर है, देखो आर क्रॉस आर से आर में जा रहा है, मीन्स जो समुच्चय वो आर है आपके पास, लिखना दिया गया समुच्चय इक्वल टू आर, दिया गया समुच्चय इक्वल टू आर, फिर लिखना दी गई संक्रिया, दी गई संक्रिया है ना, अब इस बार उल्टा वी टाइप का बना रखा है देखो। ठीक, तो दी गई संक्रिया ए ऑपरेशन बी इक्वल टू क्या कह रहा है, निम्नतम कह रहा था ना, ये निम्नतम ऑफ ए बी, निम्नतम ऑफ ए बी, निम्नतम मीन्स क्या होता है, न्यूनतम मीन्स छोटा, छोटा वाला, पिछले क्वेश्चन में बड़ा वाला लिया था, इसमें अब इस पार्ट में बड़ा छोटा वाला ले रखा है। ठीक है, मीन्स समझ गया, जैसे टू ऑपरेशन फाइव लोगे तो इसमें निम्नतम ऑफ टू कॉमा फाइव, टू कॉमा फाइव में निम्नतम कौन होगा, टू होगा, यानी इसका आंसर टू आएगा इस टाइप से। ठीक है, फिर वही चीज, चाहे ए छोटा हो या बी छोटा हो, आप इनको लोगे कहाँ से, रियल से, ये भी कहाँ से आएगा, रियल से। अब चाहे ए छोटा हो या बी छोटा हो, मान लो इसका आंसर ए आया, ए भी तो कौन है, रियल ही तो है, मान लो बी आंसर आया तब भी बी कौन है, रियल ही है, यानी कि ए और बी किन्हीं भी दो रियल नंबर्स के लिए, ए बी किन्हीं भी दो रियल नंबर के लिए, ए ऑपरेशन बी ऑलवेज रियल ही आना है, चाहे ए आए तो भी रियल ही आना है, बी आए तो भी रियल ही आना है उसे। ठीक है ना, कंट्राडिक्ट तो करेगा नहीं, तो मैं ऐसे लिख दूंगा फॉर ऑल, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू रियल, ए ऑपरेशन बी ये भी कहां रहेगा, रियल में। ठीक, अतः अतः जो ये ऑपरेशन दिया था उल्टा वी टाइप का, ये आर पर, आर पर द्विआधारी संक्रिया है। ठीक, आर पर द्विआधारी संक्रिया है, आप पूरा लिख देना, अतः ऑपरेशन आर पर द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है, तो आपके पास द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है करके हमने बहुत से क्वेश्चन कर लिए हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में इनके एसोसिएटिव कम्यूटेटिव होने की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि कोई बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव है दिखाओगेगा, कम्यूटेटिव है, ये चीज तो हलवा हलवा चीजें हैं। ठीक है ना, खाली बाइनरी ऑपरेशन प्रूफ करना मीन उस सेट से मेंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है ये तो चेक कर रहे हो। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन जनरली देगा नहीं, वो देगा भी तो एक नंबर में आएगा शॉर्ट आंसर में। ठीक है, जो एक्चुअल क्वेश्चन बनता है आपके लॉन्ग टाइप में, वो बनता है कि एसोसिएटिव प्रूफ करना, कम्यूटेटिव प्रूफ करना, उस टाइप के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, आप साथ साथ नोट्स बनाते रहें। ठीक है।